नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज की आंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज की आंच में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की पांच बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात फिल्म आदि पुरुष को लेकर मचे घमासान की होगी। फिल्म के डायलॉग्स को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने आपत्ति जाहिर की है। दूसरी खबर प्रदेश के योग शिक्षकों से जुड़ी होगी और योग शिक्षकों की मांग है कि राज्य के सभी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में योग शिक्षकों की भर्ती की जाए। वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कृषि विश्वविद्यालय में ही रोक दिया। चौथी खबर भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ी है। पीएससी परिणाम में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा कल सीएम हाउस का घेराव करने वाला है। सीएम हाउस के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया है पुलिस ने। पांचवी खबर गर्मी से जुड़ी हुई। मॉनसून से पहले पूरा प्रदेश गर्मी से झुलस गया है और लगातार लू चल रही है, लोग परेशान हैं। तो सबसे पहले बात कर देते हैं फिल्म आदि पुरुष की। फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग्स को लेकर देश भर में विवाद मचा हुआ है और इस पर सियासत भी लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने इस फिल्म के डायलॉग्स पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि फिल्म में बजरंग बली से बजरंग दल वाले शब्द बुलवाए गए हैं। हमारे जितने भी आराध्य देव हैं उनकी छवि बिगाड़ने का काम हो रहा है। दिल्ली के इशारे में फिल्म बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के विरोध पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि विरोध और समर्थन की बात नहीं है। फिल्म भगवान राम, हनुमान जी या अन्य चरित्र की जिस प्रकार चर्चा फिल्म में हुई और डायलॉग सामने आ रहे हैं, इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान की संस्कृति में शब्दों का उपयोग नहीं हुआ है। मैंने फिल्म देखी नहीं है, अगर मुख्यमंत्री ने देख ली है और कुछ गलत लगता है उनको तो कोई फैसला लेना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ में फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है सीएम भूपेश बघेल से। इस पर कोई फिल्म बन जाती थी या सामाजिक, धार्मिक, कई बार राजनीतिक फिल्में भी बनती थी, लेकिन अब यह है कि 10 ग्राम गांजा के नाम से जो फिल्म इंडस्ट्री को घेरने की जो कोशिश की, उसको दबाव लाने की कोशिश की है, उसकी परिणति है ये। एक फिल्म डायरेक्टर या राइटर या एक्टर उस प्रकार से काम नहीं कर सकती। ये जो दिल्ली से जो इशारा होगा उस प्रकार से काम करना होगा। सबको बोला जी, भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री बहुत बड़ी हस्ती है, निचले स्तर के लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, विरोध और समर्थन की बात नहीं है। यदि रामायण के राम के चरित्र और हनुमान के चरित्र और अन्य चरित्र में जिस प्रकार चर्चा और बातचीत आ रही है, जिस प्रकार के डायलॉग उनसे बुलवाए गए हैं, मुझे लगता है ये समानता इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान की संस्कृति में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग, जन जन में बसे हैं राम, इसलिए राम के प्रति आदर और सम्मान भाव से सब कुछ होना चाहिए। यदि उसका विपरीत कुछ है तो उसमें कोई समर्थन नहीं करेगा। यदि सरकार ने देख लिया है, फिल्म मैंने तो देखा नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने देख लिया है और ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है तो निर्णय लेना चाहिए। तो फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग्स को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। कई लोग हैं जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है फिल्म के डायलॉग्स को लेकर। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, सनातन धर्म को जो मानता है उसे फिल्म के डायलॉग को लेकर आपत्ति है, राजनेताओं को भी आपत्ति है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल के अलग ही आरोप हैं कि दिल्ली के इशारे पर फिल्म बनाई गई। देखिए सुमित, पहले तो फिल्म के रिलीज होने का लोगों को इंतजार होता है, अधिकांश देखा जा रहा है जब फिल्में रिलीज होती हैं तो इस तरह के बवंडर बवाल मच जाता है। और अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में अब यहां तक की बात चली है कि फिल्म पर प्रतिबंध भी लगा देना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि दिल्ली के इशारे पर कुछ जो डायलॉग्स हैं वो बुलवाए गए हैं और ये बड़ा आरोप है। और जिस तरह से लगातार सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में भी, अन्य राज्यों में भी इसका
इस फिल्म का इस डायलॉग को लेकर के लगातार विरोध का दौर जारी है। और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है यदि मुख्यमंत्री ने ये सिनेमा देख लिया है, पिक्चर अगर देख लिए हैं, तो उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि डायलॉग को लेकर के लगातार आरोप लग रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म की जब बात आती है, जब हिंदू देवी देवताओं की बात आती है, तो हर बार विवाद का वजह यही होता है कि जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुतिकरण किया जाता है, चाहे वो भगवान राम के जो चरित्र है उसे प्रस्तुतिकरण पे हो, चाहे हनुमान के चरित्र की प्रस्तुतिकरण को लेकर के, करोड़ों लोगों की आस्था इनसे जुड़ा हुआ है। और ऐसे में इस तरह के जब डायलॉग आएंगे तो स्वाभाविक है विरोध तो देखने को मिलता ही है। लेकिन अब इसको लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राजनीति हो रही है, देखना ही होगा कि क्या इस सिनेमा पर छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लग पाता है, आने वाले समय में बीजेपी का क्या स्टैंड होता है। लेकिन जिस तरह से अभी बयानबाजी हो रही है तो साफ है कि सिनेमा को लेकर के लगातार यहां पर बवाल है, जारी है। सुमित, बिल्कुल युगल, और हमने देखा था सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि अगर जनता को आपत्ति है तो फिल्म पर बैन लगाने पर विचार किया जाएगा। रेणुका सिंह ने भी यहां पर मांग कर दी है कि फिल्म पर बैन लगाए सीएम भूपेश बघेल, और डॉक्टर अमन सिंह भी ये कहते हैं कि अगर सीएम भूपेश बघेल ने ये फिल्म देख ली है, अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो इस पर उनको विचार करना चाहिए। ये बिल्कुल अभी जिस तरह से बयान आ रहे हैं, अभी कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि करोड़ों लोगों के जो लोगों के हैं उसके आस्था का सवाल है, चाहे हनुमान जी का चरित्र हो, राम भगवान का चरित्र हो। और इस तरह से पूर्व जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं, साथ ही साथ रेणुका सिंह ने भी कहा है। तो देखना ही होगा कि क्या ये पार्टी की स्ट्रेटेजी है या फिर जो नेताएं हैं बीजेपी नेताओं का वो पृथक से बयान है। हमेशा ये होता है जब इस तरह के बयानबाजी आती है तो पार्टी किनारा कर लेता है कि ये हो सकता है उनका व्यक्तिगत राय हो, निजी राय हो, ये भी बोल दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर लोगों की डिमांड होती है, मांग उन तक पहुंचती है, तो छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगाने पर भी कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। तो ये साफ है कि सिनेमा को लेकर के लगातार बवाल मच रहा है। कई लोग जब थिएटर से वापस आ रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे सिनेमा को, ऐसे पिक्चर को हम अपने जो बच्चे हैं, जो हम अपने परिवार के सदस्य हैं, उन्हें देखने के लिए नहीं भेजेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि विरोध तो काफ़ी हो रहा है, लेकिन क्या इसे प्रतिबंध लगाने की मांग कोई संगठन या फिर कोई अन्य लोग करते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जिस तरह से लगातार प्रतिबंध की बात हो रही है और इस डायलॉग पर्टिकुलर डायलॉग को प्रायोजित बताया जा रहा है, तो इसे लेकर के बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी बवाल मचा हुआ है। सुमित, बिल्कुल युगल, आदि पुरुष के डायलॉग लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने, उन्होंने ट्वीट किया है आज और वो कह रहे हैं कि अगर कई डायलॉग्स को लेकर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो माफी मांगते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है, ये भी वादा किया है कि उन डायलॉग्स को हटाकर फिल्म को दोबारा रिलीज किया जाएगा, मतलब काट छाट फिल्म में फिर से की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो शायद मामला दब सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, मनोज मुंतशिर को लगातार विरोध के जो स्वर हैं वो झेलने पड़ रहे हैं लगातार हर तरफ से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे राजनीतिक प्रतिक्रिया हो, आम जनता है, यहाँ तक के सोशल मीडिया में तो ये भी ट्रोल हो रहा है कि उसके नंबर जो सार्वजनिक किए जाएं, तो इस हद तक आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो भूमिका है सेंसर बोर्ड की, जो भूमिका है उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हर बार धार्मिक भावनाओं को क्यों आहत किया जाता है, लोग लगातार आक्रोश, यही वजह है कि होता है। जब भी वक्त रहता है कि हिंदू देवी देवताओं पर ही कटाक्ष किए जाते हैं या फिर उनके डायलॉग में बदलाव किया जाता है, चाहे वो रामायण की बात हो, महाभारत की बात हो, ये तमाम चीज है, ये अध्ययन का विषय है। लोग अपने हिसाब से अगर धर्मों को परिभाषित करने लगे, उनके जो शब्दों को बदलाव करने लगे, तो इस तरह से बदलाव है सुमित वो लाजमी है, इस तरह से जो बवाल होना लाजमी है। तो ये कहा जा सकता है कि जो मनोज मुंतशिर है उसको लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सोशल मीडिया में हर कोई उन्हें अपनी जो खींच है वो निकाल रहे हैं। जी निश्चित तौर पर युगल, कांग्रेस ये सवाल उठा रही थी अभी कि
कई फिल्में आई जैसे द केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर बीजेपी नेताओं ने अपने अपने रिएक्शन दिए और कह सकते हैं कि फिल्म को प्रमोट भी किया, लेकिन आदि पुरुष पर किसी भी बीजेपी नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, ये आपत्ति थी कांग्रेस की। लेकिन अब जो बीजेपी के नेता हैं वो भी खुलकर इस फिल्म पर बोलने लगे हैं। जी बिल्कुल सुमित, देखिए पार्टी का स्टैंड अलग होता है, जब इस तरह की बातें आती हैं तो पार्टी के जब नेता बोलते हैं तो ये बता दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि ये पार्टी लाइन नहीं है, ये पार्टी के जो नेता हैं उसके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो। तो देखना होगा कि क्या बीजेपी का स्टैंड यही है, जिस तरह से अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने जो बातें कही है, तो क्या उसे पार्टी इत्तेफाक रखता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अक्सर देखने को यही मिलता है कि जब भी फिल्म रिलीज होती है तो पहले उसका इंतजार किया जाता है, जब रिलीज हो जाता है थिएटर तक फिल्म पहुंचते हैं, आम जनता के बीच आते आते बवाल मचता है। अब तो देखा यह जा रहा है कि जो बड़े जो राजनीतिक दल के लोग हैं एक साथ फिल्म भी देखने जाते हैं और फिल्मों के माध्यम से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी रहता है। लेकिन फिलहाल अभी इस फिल्म को लेकर के ये देखने को मिल रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दी है, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पर जाहिर कर दिया है और इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कह दिया है। लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई शख्स सामने नहीं आया है या ऐसे कोई संगठन है, ऐसे कोई लोग हैं या धार्मिक लोगों से जुड़े हुए, अलग अलग समुदाय से जुड़े हुए या कोई भी लोग ऐसे सामने नहीं आए जिन्होंने फिल्म को प्रतिबंध करने की मांग की है। देखना ये होगा कि अगर मांग होती है तो क्या प्रतिबंध लग पाता है, आने वाले समय में बीजेपी का स्टैंड और क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुमित बिल्कुल युगल, फिल्में समाज का आईना होती हैं और हम देख रहे हैं कि जो फिल्मों पर सियासी घमासान मचा हुआ है वो इतनी जल्दी खत्म होगा नहीं, क्योंकि द केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स पर सियासी घमासान हमने देखा, आदि पुरुष पर भी हम देख रहे हैं और आने वाले समय में भी ऐसी फिल्में आने वाली हैं, जैसे वीर सावर की हम बात करें और 72 हूरों की हम बात करें, निश्चित तौर पर कई ऐसी फिल्में अभी आएंगी भविष्य में जिन पर सियासी घमासान हम देख सकते हैं। ये बिल्कुल सुमित, देखिए जब भी कोई पिक्चर रिलीज होता है तो सामान्य सी बात है कि लोगों के मन मस्तिष्क पर उस फिल्म को लोग आईना मानते हैं, दर्पण मानते हैं समाज का, और अधिकांश लोग यही मानते हैं कि यही सत्य है। जब इस तरह के डायलॉग प्रस्तुत किए जाएंगे और खास करके हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, तो इसका विरोध तो होना लाजमी है और अक्सर यही देखा जाता है। ठीक है, ठीक है युगल, मैं आपको रोकना चाहूंगा और बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है इस पर वो भी हम जान लेते हैं। बीजेपी कांग्रेस से हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़ गए हैं। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहेंगे, रेणुका सिंह जी कह रही हैं सीएम भूपेश बघेल से मांग कर रही हैं कि फिल्म पर बैन लगाइए, रमन सिंह जी ने भी कह दिया है कि अगर सीएम भूपेश बघेल को कुछ गलत लगता है इस फिल्म में तो विचार करना चाहिए, क्या आने वाले समय में आदि पुरुष छत्तीसगढ़ में बैन होने वाली है क्या? देखिए मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि रेणुका चौधरी जी स्वयं सांसद हैं, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको यदि ये गलत और सही लगता है तो ये भूपेश बघेल जी को क्यों बोल रही है कि आप इसको बैन करिए, ये तो सीधा केंद्र सरकार को बोले, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंदर का अंतर्गत सेंसर बोर्ड आता है, यदि कुछ गलत है तो ये वहां बात करें, ये मोदी जी को बोले, ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को बोले, ये भूपेश बघेल जी को बोलना ये किस प्रकार की नौटंकी है कि आप इसको बैन करिए, जबकि खुद एक मिनिस्टर भी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी है, तो उनको बात करनी चाहिए, तो पूरा हास्यास्पद तरीके से मतलब ये बातें कर रहे हैं। नितिन जी छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग करती है ना वो, इसलिए उन्होंने ये बात कही होगी शायद। जी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है पर है तो केंद्रीय मंत्री और ये सारा सब कुछ तो केंद्र सरकार के हाथ में है, बैन करना है तो पूरे भारत में बैन करना चाहिए, यदि कोई चीज उसमें है आपत्तिजनक तो पूरे इंडिया में बैन करिए ना, आप छत्तीसगढ़ की क्यों बात करें। हाँ नहीं, लेकिन ये भी होता है ना कई कई, जैसे केंद्र सरकार कोई फैसला फिल्म पर नहीं लेती है लेकिन राज्य फैसला ले लेता है, जैसे किसी फिल्म को टैक्स फ्री करना हो या किसी फिल्म को बैन करना हो तो राज्य स्वतंत्र है ऐसे फैसले लेने में। नितिन जी अभी हाल में तो ऐसी स्थितियां हैं कि जी विजन, नितिन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे?
तो नितिन जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। और बीजेपी से देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवलाल ठाकुर जी, नितिन जी ये कह रहे हैं कि अगर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी को आपत्ति है आदि पुरुष को लेकर, तो वो केंद्र से डिमांड करें ना कि राज्य सरकार से फिल्म पर बैन करने के लिए। देखिए, फिल्म बैन करने की जो बात है, राज्य और केंद्र दोनों की अलग अलग सीमाएं होती हैं। अगर आपके प्रदेश में है तो अगर मुख्यमंत्री जी अगर देखे हैं कहीं अगर सीन ऐसा दिख रहा है या कहीं पे अगर धर्म को आहत पहुंचाया जा रहा है तो निश्चित ही बैन कर देना चाहिए। इसमें किसी से पूछने या इसमें डालने उसमें डालने राजनीति जैसी कोई बात नहीं होना चाहिए। अगर बात धर्म की, संस्कृति और संस्कार की है तो इसमें छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और इसको तत्काल अगर वो चाहते हैं कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए तो बैन करना चाहिए। उसमें क्या किसी को पूछना और किसको बोलना और पेपर में देना या अन्य किसी राजनीतिक प्रसंस्करणों को बढ़ावा देना, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। बैन करना बैन कर दीजिए, सरकार आपकी है, क्या दिक्कत। और देवलाल ठाकुर जी, सीएम भूपेश बघेल ने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि दिल्ली के इशारे पर फिल्म बन रही है आजकल। जी देखिए, वो आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए बनी हुई पार्टी है। और ये जो दिल्ली की उसमें बन रही है बोल रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि जिस स्तर के वो नेता हैं, जिस स्तर के छत्तीसगढ़ के वो मुख्यमंत्री हैं, इस प्रकार की बातें उन्हें कतई नहीं करना चाहिए। ठीक है देवलाल जी, तो अब बीजेपी को भी कहीं ना कहीं लगने लगा है कि फिल्म में कुछ ना कुछ गलत है, जैसा कि रेणुका सिंह जी ने बयान दिया है और बैन करने की मांग की है। और कांग्रेस तो आरोप लगा ही रही है फिल्म को लेकर। बहुत धन्यवाद देवलाल ठाकुर जी और नितिन भंसाली जी आपका जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ 5 के आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।